नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड जिले से है। इन दिनों खाद की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए घंटों कतार में लगने के बाद भी केवल 2 बोरी खाद ही मिल पा रहा है। मजबूरन किसान बाजार में ब्लैक से खाद ले रहा है। आज किसानों की इन समस्याओं को लेकर किसान संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। धरना के बाद कलेक्ट्रेट पहुँचे किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजीव बरुआ ने डीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वर्तमान में भिंड जिले में किसान खाद उपलब्ध न होने से परेशान है। हालात ये है कि कई घंटों लाइन में लगने के बाद भी उसे ज़रूरत के अनुसार खाद नहीं मिल पा रही है। यही बड़ी मशक्क़त के बाद मिले टोकन से अधिकारी केवल 2 बोरी खाद ही दे रहे हैं। खाद की कमी को लेकर अधिकारी पर्याप्त स्टॉक न होने की बात कहते हैं तो फिर बाजार में ब्लैक से खाद कैसे मिल रही है। संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि किसान के हित के लिए खाद की ब्लैक मार्केटिंग रोकी जाए, इसके साथ ही आवारा पशुओं से फसल को होने वाले नुकसान के लिए भी उचित इंतजाम किए जाए, फसल बीमा से वंचित रहे किसानों को लाभ दिया जाए और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मुहैया कराई जाए। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए भिंड से अक्षय भदौरिया की खास रिपोर्ट। संघर्ष समिति द्वारा धरना दिया जा रहा है, क्या कारण रहा जो किसान संघर्ष समिति को धरना देना पड़ा? नए कनेक्शन और डीपी रखने में धरना इसलिए दिया है, कुछ किसानों की डीपीआई नहीं रखी जा रही। उस हद तक किसान को परेशान और घुमाया जाता है जब सिवाय रिश्वत देने को जब तक किसान विवश न हो जाए। दूसरी समस्या हमारी ये यूरिया की है, इतनी किल्लत है 2-2 बोरी और पूरे पूरे दिन भर लाइन में लग के। तीसरी समस्या आवारा पशु गैया मौजे के मौजे किसानों की फसल को बर्बाद कर रही है। बर्बाद हो जाए तब गौशाला, अब कहा गौशाला बने तब बन जाए, फौरी तौर पे कुछ ऐसी व्यवस्था गैयों की जाए जिससे किसानों की फसल बच सके। और फसल बीमा मुख्य मुद्दा है, उसमें किसान से प्रीमियम तो ले ली जाती है लेकिन उसे भुगतान नहीं दिया जाता, इसलिए हम ये चाहते हैं बिना किसान की सहमति के प्रीमियम भी न काटी जाए। कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में आते ही किसानों के कर्जा माफ हुआ, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? किसान संघर्ष नहीं, किसान संघर्ष ने स्वागत किया था, जिस दिन हुए थे उस दिन भी किया था, लेकिन हम ये चाहते हैं किसान असमानता का शिकार है। कर्जा माफी परमानेंट अभी फौरी लाभ मिला है, स्वागत किया है, परमानेंट कर्ज माफी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उनको फसल का वाजिब दाम दिया जाए जिससे आगे जाके फिर कर्ज में न डूबे। एक ओर तो किसान का कर्ज माफ कर रही सरकार, दूसरी ओर यूरिया के लिए किसान को लाठी खाना पड़ रही है, इसके ऊपर किसान क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार की नाकामी है जो यूरिया की ये स्थिति बनी है और किसान बेचारा परेशान है। रात को खेत में 6 डिग्री टेम्परेचर पर लेटने के लिए तैयार है और दिन भर लाइन में लग के यूरिया लेने को विवश है।